हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी बीइंग्स। यहाँ पर मैं ऑस्टर मशरूम क्लीन कैसे करते हैं वो बता रही हूँ आपको, यूज़ कैसे करना है। मैंने यहाँ पर ये मशरूम लिया है, ये देखो कोई इस तरह से दिखता है। और मैं इसको साफ करूंगी। इसको हमें इस तरह से करना है, छोटा छोटा। ये थोड़ा हार्ड रहता है तो पचाने में प्रॉब्लम करेगा, तो आप इसको इस तरह से छोटा छोटा करके खा सकते हो, नहीं तो हटा भी सकते हो। कई बंच की तरह रहता है ये, इसमें अलग अलग है, एक एक फ्लावर की बंच की तरह। ये कुछ इस तरह का रहता है, बैक से फ्रंट से। मशरूम सारा ही देखो इस तरह से क्लीन हो गया है बनाने के लिए। अब हम इसको 2 से 3 बार धो लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ मेरे बर्तन में, आप जैसे भी अपनी सब्जियाँ धोते हो उस तरह से धो लीजिए। इसमें मैं पानी डाल दूँगी, 2 से 3 बार धो लोगे उसकी सब इसको तो गंदगी है जो वो अच्छे से निकल जाएगी, इसकी डस्ट वगैरह होती है। तो धो चुकी हूँ इसको, मैं तीसरी बार धो रही हूँ इसको लास्ट। अब इसको अच्छे से इसका पानी पूरा निचोड़ कर इस तरह से किसी भी छलनी में रख दें, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद हम सब्जी बनाएंगे इस तरह से। अच्छे से निचोड़ देना पानी को। छलनी में मैंने इसे रखा है तो अगर थोड़ा बहुत पानी होगा, वैसे है नहीं है, होगा तो निकल जाएगा। इसके बाद आप कोई भी साफ कपड़ा ले लीजिए। ये देखो मैं टावल ले रही हूँ, ये मेरी किचन टावल ही है, ये मैं इसे मैं यूज़ करती हूँ कोई भी चीज़ में ड्राई करनी होती है, किचन के लिए है मेरी ये टावल। मैं इस पर ये डाल दूँगी मशरूम को इस तरह से। आप चाहो तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हो, लेकिन वो गीले होके
इसी से चिपक जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि आप कोई कपड़ा ले लें। इस तरह से इसका पानी को ड्राई कर दें, सुखा लें इसको हल्का सा, इसका पानी है जो एक्स्ट्रा वो हट जाएगा। इस तरह से ये देखो सूखे सूखे जैसे हो गए एकदम से। इसके लिए मैंने ये एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, दो टमाटर ले लिए हैं, और ये हरी मिर्च है एक, और ये गार्लिक है, और ये जिंजर है। अदरक का टुकड़ा को साफ़ करके कट कर लेंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। सब चीज़ को फर्स्ट मशरूम की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई रख दिया है बनाने के लिए। इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच तेल ले लिया है मैंने यहाँ। तेल गरम हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी राई ली है, और 3-4 दाने मेथी के लिए है। आप चाहो तो सिर्फ जीरा भी डाल सकते हैं। और ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, और इसके बाद मैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और प्याज डालूंगी। ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये प्याज डाल हुआ। प्याज को अच्छे से चलाते हुए ब्राउन होने तक भून लें। प्याज ये देखो भून गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मसाले डालेंगे। प्याज भून जाने के बाद यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, हल्का सा 1 से 2 मिनट भून जाने के बाद अब हम इसमें ये टमाटर और हरी मिर्च जो काटा है वो डाल देंगे। टमाटर को पका लेंगे अब हम। सब्जी के हिसाब से स्वादानुसार ये नमक डाल रही हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये नमक का कलर ऐसा क्यों है, तो ये सेंधा नमक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना होता है वाइट वाले नमक से। इसी के साथ में मैं ये मटर डाल रही हूँ जिससे कि ये पक जाएगी। मटर ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल सकते हो।
अभी सीजन चल रहा है मटर का, तो मैं डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा मटर डालकर इसका। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको हटा सकते हो। टमाटर को थोड़ी देर मटर के साथ में पका लें, 4 से 5 मिनट के लिए। ये पक जाएगा तो ऑयल है जो वो थोड़ा अलग सा हो जाएगा, जब तक वो कच्चा है तो उसका पानी पानी दिखेगा। ऐसे ही ओपन करके 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लें। हमारा टमाटर है जो वो पक चुका है, इसमें से जो ऑयल है वो ऊपर आने लगा है इस तरह से। अब इसमें हम जो हम ये मशरूम तैयार किए हैं उनको मिक्स कर देंगे। देखिए ये मशरूम डाल रही हूँ मैं अभी इसमें, सारे मशरूम डाल दिए और मैं फ्राई कर। गैस को हम कम ही रखेंगे जिससे कि मशरूम और मटर के अंदर मसाले हैं जो वो अच्छे से मिक्स हो जाए और खाने में अच्छा लगे। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मशरूम का पानी खुद से निकलता है, उसी में पकाएंगे। जब तक वो पानी रहता है मशरूम का तब तक हम उसे पकाते रहेंगे, जब ड्राई हो जाएगा तो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसलिए हम इसे ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में इसे हम चेक करते हुए चलाते हुए भी रहेंगे इसको। ऐसा नहीं है कि बंद करके रख दिया कि सीधा 10 मिनट के बाद ओपन करना है, ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में इसको चेक करते रहें और इस तरह से करते रहें जैसे कि ये देखिए इसका पानी निकलना शुरू हो रहा है मशरूम का। मटर भी हो जाएगी इसी के साथ और मशरूम भी। तो बस आप ये ध्यान रखें इसमें पानी नहीं डालना है कोई अलग से। अब मैं बीच में चला रही हूँ फिर से, ये देखो कितना सारा पानी है मशरूम का ही, देख सकते हैं आप मशरूम का पानी है। इसको पूरा ड्राई होने तक हमें कुक करना है। अब देखो इसका पानी पूरा सूख गया है और इसमें से जो ऑयल है वो साइड साइड में यहाँ से दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब ये पक चुकी है अभी। और देखिए अब हम किसी भी बर्तन में निकालेंगे, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये हमारी सब्जी है जो बनकर तैयार हो गई है, हेल्दी और टेस्टी। हाँ अगर आप चाहते हो गरम मसाला यूज़ करते हो तो अभी गरम मसाला डालकर 1-2 मिनट के लिए चला लें। मैं गरम मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हल्के मसाले डाले मैंने, आप चाहो तो डाल सकते हो।